हेलो एवरीबॉडी, मैं सागर, आप सभी का ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल YT चैनल पे स्वागत करता हूँ। गाइस, ये आपकी 7th क्लास है। पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा डायरेक्शंस के क्वेश्चन, जो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन थे, सिंपल बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, ये नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन थे। ये डायरेक्शन के ही आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं, पर ये कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं? शेडो वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर कोई स्टूडेंट चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। होमवर्क क्वेश्चन क्या था? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन। और 10th क्वेश्चन में क्या करना था आपको, उसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, डेट इज बी, ठीक है। इसमें क्या था आपका, इसमें डायरेक्शन बनाना था। देखो, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर 9 हाउस, 9 घर दिए गए हैं। सी इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, जो सी है ईस्ट है, ईस्ट में है किसके, बी के। मान लो बी, मान लेते हैं हम यहाँ बी का ईस्ट कौन सा पड़ेगा, ये वाला ईस्ट में कौन है, सी। कितने किलोमीटर की दूरी पे, 2 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, ए इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, ए इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। एक सेकंड, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ए इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी ए है, ठीक है, ए है, ठीक है गाइस। एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा नीचे बना लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से। उसमें बोला है सी इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में, बी मान लेते हैं ये है, और बी के ईस्ट में कौन है, सी है। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। आगे बोला है ए इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में क्या है, ए। कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है, यहां तक हो गया। एंड एच इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, एच जो है ए के साउथ में, ए का साउथ कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 2 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां तक एक और एक, दो, और यहां पे कौन आ जाएगा, एच, एच आ जाएगा यहां पे, ठीक है, एच आ जाएगा। आगे बोला है जी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एच, जी 1 किलोमीटर है वेस्ट, वेस्ट में किसके, एच के, एच के वेस्ट में। एच का वेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर है, कौन, जी, ठीक है। वाइल डी इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी, जी के ईस्ट में है 3 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, मतलब 2 एक्स्ट्रा चला होगा ये, और कितना, डी, डी है, ये डी है जी के। एंड एफ इज 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, जी के नॉर्थ में कौन है, एफ इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, जी के नॉर्थ में 2 किलोमीटर है। यहां से यहां तक मैं इक्वल टू ए के, एक इक्वल टू 2 किलोमीटर कौन है, एफ है, एफ है, ठीक है, सिचुएटेड। अच्छा, आई इज सिचुएटेड जस्ट इन मिडल ऑफ बी, आई जो है बी एंड सी के बीच में है, बी और सी का है हमारे, बी और सी मतलब 2 किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा, 1 किलोमीटर इनके बीच में कौन है, आई है, यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ पे आई है। आगे बोला हुआ है वाइल, यहाँ तक हो गया था ना, वाइल ई इज जस्ट इन द मिडल ऑफ एच डी, और एच डी के बीच में, एच डी के बीच में कौन है, ई है, एच डी के बीच में कौन है, ई है, ये भी 2 किलोमीटर था ना, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 2 थी, सॉरी ए ये रहा और बी ये रहा, ठीक है, सॉरी बी, बी और एच के बीच में पूछा हुआ था, बी और एच के बीच में कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1। तो कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारा, डेट इज बी, ठीक है। चलिए, हमारा डायरेक्शन का ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपका अपलोड हो चुका है, नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्शंस के आज क्वेश्चंस जो हमारे टारगेट रहने वाले हैं, सबसे पहले समझेंगे कौन से वाले डायरेक्शंस को, हमने पहले ही समझ लिया था, पर आज कौन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं हमारे, शेडो वाले रहने वाले हैं, शेडो वाले। आपने देखा होगा, कहीं क्वेश्चन सुने होंगे, मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, एक व्यक्ति, दो फ्रेंड मिलते हैं, उनकी शेडो लेफ्ट में पड़ती है, राइट में पड़ती है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो वही देखेंगे आप, ठीक है। फिर इनके टाइप्स को, फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फिर इनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, डायरेक्शंस के मैंने कल आपको बता दिया था कि क्या क्या होता है, ठीक है। आज के क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, देखो मैंने आपको कल क्या बताया था, कल हमारा एक बोर्ड, जैसे जैसे आपकी शीट्स होती है, आपको डायरेक्शन अपनी शीट के अकॉर्डिंग मानना है, ठीक है, जो पेपर जिस पे आप वर्क करते हैं। मान लो ये पूरा मान लेते हैं शीट, मैं बोर्ड को ही शीट मान लेता हूँ, ऊपर वाला नॉर्थ हो जाता है, नीचे वाला साउथ, ये वाला ईस्ट और ये वाला वेस्ट, ठीक है, ये वाला वेस्ट, ठीक है। अब पूछा गया, बोला क्या जाएगा, बोला ये जाएगा कि एक मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम पे दो व्यक्ति मिलते हैं, दो व्यक्ति मिलते हैं, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम पे सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है,
ठीक है, इससे निकलता है। उसमें बोला है कि एक नाम ले लेते हैं हम, चंपो ले लेते हैं, चंपो चमेली, नहीं चंपो चमेली नहीं लेते, चमेली ले लेते हैं, चमेली, ये चमेली है, ठीक है, ये चुटिया इसकी, अच्छा चमेली है। और एक का नाम ले लेते हैं, एक का क्या ले लेते हैं, बानो ले लेते हैं। और ये दो फ्रेंड है ना, आपस में मिले, आपस में ऐसे तो होगा, ठीक है, ऐसे होगा, एक दूसरे से बात कर रहे हैं मॉर्निंग के टाइम पे, एक दूसरे से बात कर रहे हैं मॉर्निंग के टाइम पे, और बोला जाएगा कि इसकी चंपो, चंपो की साइड हो चमेली के राइट में पड़ रही है, चमेली की साइड हो चंपो की लेफ्ट में पड़ रही है, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक चीज पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जब भी सूरज ईस्ट से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, ये ईस्ट से मान लेते हैं, अपनी शेडो किस साइड डालता है, ये इस डायरेक्शन में डालेगा, इस डायरेक्शन में डालेगा, कौन सा, इस साइड, ठीक है। और जब भी सूरज अस्त होता है तो डायरेक्शन किस कहाँ से होता है, डायरेक्ट जैसे सूरज ये अस्त हो रहा है, मान लो ये अस्त हो रहा है, तो ये डालेगा इस साइड डालेगा अपने शेडो, ठीक है। मतलब नॉर्मली आपको समझाया जाए तो आप एक चीज आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो घर पे, आप टॉर्च लेना, ठीक है, टॉर्च लेना, और टॉर्च को मान लो, मान लेते हैं एक टॉर्च लेना और यहाँ पे एक स्टिक खड़े रख देना, और जैसे ही टॉर्च से इसके ऊपर डालोगे ना, इसकी शेडो इस साइड पड़ेगी, इस साइड, ठीक है। और जब दूसरी साइड से डालोगे तो शेडो कहाँ पड़ेगी, दूसरी साइड से टॉर्च मान लेते हैं, ये टॉर्च मान लेते हैं, ठीक है, ये तो इसकी शेडो इस साइड पड़ेगी, ठीक है। अगर टॉर्च हम ऐसे डालते हैं तो शेडो इस साइड पड़ती है, और अगर टॉर्च इस साइड डालते हैं तो इस साइड डायरेक्शन, सॉरी जो परछाई होती है इस साइड पड़ती है। मतलब एक नॉर्मली सी एक चीज ले लो कि जिस जिस डायरेक्शन में सूरज होता है अपनी शेडो उसकी अपनी अपोजिट डायरेक्शन में डालता है, ठीक है। मान लो ये ईस्ट में निकल रहा है तो अपनी शेडो कहाँ डालेगा, वेस्ट में। अगर ये वेस्ट में छुप रहा है तो अपनी शेडो कहाँ डालेगा, ईस्ट में। इज दैट क्लियर, इतना ही आपको बस समझना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन कैसे आएंगे। बोला जाएगा आपको कि मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, अब मॉर्निंग के टाइम में ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये सॉरी नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, हाँ ये साउथ हो गया, ठीक है। और बोला जाएगा मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम पे सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट में। आपको ये नहीं बोलेगा कि ईस्ट में निकल रहा है सूरज या वहां से सूरज निकल रहा है, अभी आपको समझना होगा, ये ओनली यही स्टेटमेंट देगा कि मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है। और दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, मान लो कि एक चमेली बात कर रही है, ये चमेली मान लेते हैं, चमेली बात कर रही है, ठीक है, और ये हम बानो मान, चमेली इसका नाम क्या रखे, चमेली, ठीक है, चमेली, और ये मान लेते हैं बानो, क्या मान लेते हैं, बानो, बानो, इसका मुंह अलग ही बन गया, ठीक है, ठीक है, ये बानो है, बानो, ठीक है, बानो। ये दोनों दोनों फ्रेंड है पार्क में आए टहलने के लिए, बात कर रहे हैं एक दूसरे से। अब क्या बोला बोला जाएगा कि चमेली, अब मेरी डायरेक्शन ऐसी है, मेरा राइट हैंड, अब ये इसका राइट हैंड हो जाएगा, ये वाला राइट हैंड, ये वाला लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा इसका, ये वाला राइट हो जाएगा, आप सामने सामने बात करिए इसी तरह होगा, ठीक है। अब बोला क्या जाएगा उसमें, उसमें बोला जाएगा कि चमेली की शेडो है ना, चमेली की शेडो बानो के लेफ्ट में पड़ रही है, बानो की लेफ्ट में पड़ रही है, ठीक है, बानो के लेफ्ट में, ऑब्वियसली बात है कि डायरेक्ट शेडो इसी साइड होगी तो बानो के लेफ्ट में पड़ रही है, यही बोला जाएगा, ठीक है, ये चीजें बोला जाएगा। पर ये आपको कैसे निकालना है, आप एक चीज नोटिस करोगे, बस आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, लेफ्ट और राइट पे ध्यान नहीं देना, बस इतना याद रख लेना है, ऊपर वाला लेफ्ट और राइट होता है, नीचे वाला लेफ्ट होता है। मॉर्निंग की अगर बात की जाती है, क्या करी जाती है, मॉर्निंग की बात की जाती है, ऊपर वाला लेफ्ट राइट और नीचे वाला लेफ्ट, ठीक है। अगर इवनिंग की बात होती है, अगर इवनिंग की बात होती है, मान लो ये इवनिंग की बात है, ये सूरज छिप रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ऊपर वाला ऊपर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ऊपर सॉरी लेफ्ट हो जाता है, ऊपर लेफ्ट हो जाता है और नीचे राइट हो जाता है, ठीक है। इवनिंग की बात पे, इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में हमारी डायरेक्शन जो रहती है ऊपर लेफ्ट और नीचे राइट, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, ठीक है, कैसे विद इन सेकंड क्वेश्चन को करेंगे हम, ठीक है। आप सिंपल सी चीज याद रखोगे, आप नॉर्मली भी चलोगे ना, जैसे हमारा राइट रहता है, अब मैं सामने बात कर रहा हूँ, उसका लेफ्ट हो जाएगा इस साइड, इसी साइड डायरेक्शन हमारी पड़ेगी, ठीक है, इसी तरह इवनिंग में होता है, ठीक है, ये चीजें क्लियर है इतना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक तो क्या बोला जाएगा, अब आपको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कि रवि और श्याम,
आपस में बात कर रहे हैं, रवि और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम पे रवि और श्याम आपस में, मॉर्निंग का हमें पता है मॉर्निंग का क्या लिखवा रखा है मैंने, ऊपर ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा राइट, ऊपर क्या आएगा गाइस राइट आएगा हमारा, ऊपर राइट और नीचे लेफ्ट, ठीक है। मैंने बोला है कि राम की शेडो श्याम के लेफ्ट में पड़ रही है, जिसके लेफ्ट में पड़ी हो ना, किसके किसके लेफ्ट में बोला है मैंने, श्याम के लेफ्ट में, श्याम लेफ्ट ये है श्याम, श्याम यहाँ लिख दो श्याम, ठीक है ठीक है श्याम, और ये बोल देते हैं राम, ठीक है राम बोल देते हैं, ये श्याम और ये राम। अब ये ऐसे फेस करेगा, ये ऐसे फेस करेगा, अब कुछ भी बोल, कुछ भी पूछ ले आपसे, ये बोले कि राम राम किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये साउथ की डायरेक्शन में फेस कर रहा है, और श्याम किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस कर रहा है। बस आपको सिंपल चेक करना है, बस ये लर्न होना चाहिए आपको, क्या लर्न होना चाहिए, राइट लेफ्ट फ्रोट, अगर तुम विद इन सेकंड क्वेश्चन को करना चाहते हो, बेसिक तरीके से कर सकते हो आप, पर विद इन सेकंड करना चाहते हो, बस इतना याद रखना है, मॉर्निंग के टाइम पे राइट ऊपर राइट लिखना है नीचे लेफ्ट, और इवनिंग के टाइम पे ऊपर लेफ्ट लिखना है और नीचे राइट, ठीक है, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे देता, इवनिंग का समय है, इवनिंग का समय, और मैंने बोला शाम का समय है, सूरज अस्त होने से पहले, अस्त होने से पहले चंपा की शैडो और बानो के लेफ्ट में पड़ रही है, बानो के लेफ्ट में पड़ रही है, शैडो इवनिंग का क्या होता है, ऊपर लेफ्ट आ जाएगा नीचे राइट, किसके लेफ्ट में पड़ रही है, बानो के लेफ्ट में पड़ रही है, तो बानो के लेफ्ट में बानो ऊपर लिख दोगे और नीचे चंपा लिख दोगे, चंपा, तो किसके, अब किसकी डायरेक्शन पूछिए, किसी की भी डायरेक्शन पूछ रखिए, किसी की भी डायरेक्शन पूछ रखिए, आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। बानो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, साउथ की तरफ को फेस कर रही है साउथ, और चंपा नॉर्थ की तरफ को फेस कर रही है, ठीक है, इतना क्लियर है। एक इसी के अंदर एक क्वेश्चन, एक दूसरा टाइप आ जाता है, क्या दूसरा टाइप आ जाता है, एक दूसरा टाइप आ जाता है, क्या दूसरा टाइप हमारा क्या रहता है, कभी कभार क्या दे देता है, ये बोला जाता है कि मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है कि दो व्यक्ति पीठ करके खड़े हुए हैं, पीठ करके खड़े हुए हैं मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में पीठ करके खड़े हुए हैं, मान लो ये एक व्यक्ति है ऐसे, और ये एक व्यक्ति ऐसे पीठ करके खड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके पीठ करके खड़े हुए हैं। अब इसमें बोला जाएगा ये लेफ्ट और राइट में बताना है, उसकी ये लेफ्ट में कौन है, इसकी शैडो उसके लेफ्ट में पड़ रही है या उसकी शैडो इसके राइट में पड़ रही है, कुछ ऐसे करके दिया जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, पहली बात तो ये बाहर की साइड को फेस करेंगे, ये नॉर्थ की साइड को, ये साउथ की साइड को। दूसरी चीज क्या है, अब नीचे वाले की पोजिशन चेक करो, अपने आप को सपोज करो, ये हमारा राइट हो जाएगा तो इसका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, इसी तरह ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, पीठ अगर पीठ करके खड़ा हुआ है। तो एक चीज हमें पता है मॉर्निंग में क्या निकल के आ गया हमारा, इस साइड को छोड़ देना मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि साइड इसी साइड पड़ेगी, तो हमें इस हिस्से को लेना है लेफ्ट राइट, मॉर्निंग का हो जाएगा लेफ्ट राइट और इवनिंग का अपोजिट हो जाता है उसका राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मॉर्निंग मॉर्निंग और इवनिंग इवनिंग, ठीक है, इवनिंग इवनिंग अगर बैक साइड में करा हुआ है, बैक साइड में। पर एक चीज तुमने देखी है, एक चीज ये पहले वाला हम एक सिंपल सा बोल सकते हैं, सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो मॉर्निंग का टाइम था, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग का, मॉर्निंग और इवनिंग, इवनिंग बैक, इवनिंग का बैक दोनों सेम है, और इवनिंग नॉर्मल इवनिंग, इवनिंग और मॉर्निंग, मॉर्निंग बैक दोनों सेम है, बोल सकते हैं मॉर्निंग का, मॉर्निंग का क्या था हमारा, क्या था, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, इसमें क्या था लेफ्ट ऊपर और राइट नीचे, ये सिंपल सा तरीका याद है, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बस इस फॉर्मूले को याद रख लेना है, बस इसी चीजों को याद रख लेना है, रामलीला लीला राम, ऐसे अभी ऐसे भी लर्न कर सकते हो आप, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा आपके। देखो उसमें बोला है वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेसिंग टू फेस एट अ क्रॉसिंग, इसमें बोला है कि एक चौराहे पे क्या कर रहे हैं उदय और विशाल बात कर रहे हैं, उसमें एक चौराहे पे, ठीक है, सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है कि मतलब सूरज निकला हुआ है सुबह के टाइम,
और शैडो किस डायरेक्शन में पड़ेगी, इस साइड में। और सुबह की मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था, राम लीला इतना, राम लीला इतना लिख लिया हमने। अब इसमें बोला है विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, उदय के लेफ्ट में है। किसकी शैडो? विशाल की शैडो। विशाल की शैडो उदय के लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में? उदय के लेफ्ट में। तो लेफ्ट है कहाँ है? नीचे उदय, यहां लिख देंगे उदय, और ऊपर क्या लिख देंगे? विशाल। क्या लिख देंगे? विशाल। अब आराम से कर सकते हो, ये ऊपर इस साइड डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ये इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अब इसमें किसके बारे में पूछा हुआ है? विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग, उदय किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? उदय किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? नॉर्थ की डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ये ऊपर को फेस कर रहा है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा उसका, दैट इज डी, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह का टाइम है, आफ्टर सनराइज, सूरज आफ्टर सनराइज, सूरज निकलने के बाद सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, पोल, ठीक है। सुरेश क्या कर रहा है? स्टैंडिंग एक पोल की तरफ को, क्या कहे, खंबे की तरफ को खड़ा है, ठीक है, फेस करके। आगे बोला है सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम इसमें बोला है, पहली बात तो इसमें बैक का टाइम नहीं दे रखा है कि बैक लगा के खड़वाई, मतलब ये एक बैक, मैंने पिछली क्लास में बोला था ना, पिछली क्लास में कह रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी पहले बताया था कि अगर बैक वाला है तो अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मॉर्निंग वाला और इवनिंग बैक, इवनिंग बैक सेम रहता है, सेम रहता है, ठीक है। और इवनिंग, इवनिंग और मॉर्निंग, मॉर्निंग बैक सेम रहता है फॉर्मूला, ठीक है। मॉर्निंग का क्या होता है? राइट लेफ्ट, और ये लेफ्ट राइट, ठीक है, ये चीज नहीं है। अब हमें पता है, अब हमें पता है इस क्या कर रहा है, एक खंबे की तरफ को फेस करके खड़ा हुआ है। द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, उसमें बोल रहा है उसके राइट में, पहले मॉर्निंग के, मॉर्निंग का बोला हुआ है, तो मॉर्निंग में हम राइट और लेफ्ट लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब उसमें बोला है द शैडो ऑफ द पोल, उसकी शैडो, जो पोल की शैडो है, जो खंबे की शैडो है, फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, उसके राइट में पड़ी है। किसके राइट में? सुरेश के राइट में। राइट कहाँ है? ऊपर, मतलब सुरेश यहाँ पे है, सुरेश यहाँ पे है, ऐसे करके फेस खड़ा हुआ है, और ये पोल हो जाएगा, पोल खंबा, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया है? टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, ठीक है, ये और सुरेश जो है किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो ये किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? साउथ को। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा उसका, दैट इज बी, ठीक है, दैट इज बी, ठीक है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट क्वेश्चन को कर लेते हैं। जो बच्चा हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है वो दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकता है। अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करते हो तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है गाइस। आपका एक साल का इन्वेस्टमेंट रहता है, पर आपका एक साल का इन्वेस्टमेंट पूरी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। और एक अच्छा हॉस्टल मिल जाए तो ये सोने पे सुहागे की बात है, ठीक है। और हमारे हॉस्टल की कई खास बात है, आपको ऐसा अगर ऐसा लग रहा है कि सर हमने, कई हॉस्टल होता है मैंने देखा है कि पहले एडवांस ले लेते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है या पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, पूरा साल बर्बाद जाता है, पैसा भी बर्बाद जाता है। तो हमारे हॉस्टल में एक खास बात यह है कि अगर आप आते हो यहाँ पे और आप मंथली पेमेंट करना होता है आपको, आप देखो बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और लग रहा है कि आप सेटिस्फाई लग रहे हो पढ़ाई को लेके, तो आप एडमिशन को करवा सकते हो, ठीक है। वरना एक दो मंथ के बाद भी जहाँ आप चाहते हो वहाँ भी एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है। तो आप जो भी जानकारी लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चले हुए हैं। आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ज्योमेट्री डिफेंस अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, परचेज करके कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंट में हमारा कोर्स चला हुआ है आरएमएस के लिए चिनुक, ठीक है, तेजस चला हुआ है, पर्टिकुलर जो सेक्शन वाइज जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए भी चला हुआ है, ठीक है। किसी बच्चों को लगता है कि सर हमारा मैथ्स वीक है, और सब्जेक्ट हमारे लिए सब कुछ बेस्ट है, अब हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि हम और सब्जेक्ट को भी ज़्यादा पढ़े, अब हमारा मैथ्स थोड़ा वीक है, तो आप मैथ्स के या रीजनिंग के या जीके के इंग्लिश के सेक्शन वाइज भी आपका कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, यहाँ से परचेज करके आप वो भी परचेज अपनी प्रिपरेशन तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन क्या है? वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, जैसे ही मॉर्निंग का टाइम होता है तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, ठीक है, राइज, ठीक है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सूरज निकलने के बाद विक्रम एंड
सैलेश वर स्टैंडिंग इन अ पार्क विद देयर बैक टुवर्ड ईच अदर। अब ये वाला क्वेश्चन आता है। अब इसमें मॉर्निंग का टाइम बोला है, पर इसमें क्या बोला हुआ है कि एक दूसरे की तरफ को पीठ लगा के बैठे हुए हैं ये, ठीक है, पीठ लगा के क्या हुए, खड़े हुए हैं, ठीक है, खड़े हुए हैं। मतलब अब शैलेश ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ है मॉर्निंग के टाइम पे। अब मैंने बोला था मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज, अगर बैक वाला कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसका ऊपर क्या हो जाता है लेफ्ट और नीचे क्या हो जाता है राइट, ठीक है। अब क्या बोला हुआ इसमें, विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड हिज लेफ्ट। विक्रम शैडो, अब ये किस डायरेक्शन को फेस कर रहे, ऊपर की ऐसे फेस कर रही है, आमने सामने नहीं फेस कर रही, ये साउथ को, ये नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। इसमें बोला है विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। विक्रम की शैडो किसके, विक्रम की शैडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड हिज लेफ्ट, उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में पड़ी हुई है, किसके लेफ्ट में डल रही है, विक्रम की शैडो उसके ही लेफ्ट में गिरी हुई है, विक्रम की लेफ्ट में गिरी है, गिरी हुई है। तो विक्रम कहाँ आ जाएगा, विक्रम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और किसके, शैलेश कहाँ पे आ जाएगा, शैलेश यहाँ पे आ जाएगा, शैलेश यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन वो शैलेश फेसिंग, शैलेश किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, शैलेश किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ये साउथ की तरफ को फेस कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है डेट इज बी, ठीक है, डेट इज बी। गाइस थोड़ा सी तबीयत खराब है तो मैनेज कर लेना, थोड़ा सा सही से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, ठीक है। इन द मॉर्निंग एक्स एंड वाई आर वॉकिंग टूवर्ड ईच अदर इन अ पार्क। क्या है, एक मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, एक्स एंड वाई वॉकिंग टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ को चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। व्हेन दे मीट्स ईच अदर, ये जब मिलते हैं, वाई शैडो फेल स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ एक्स, ठीक है, मॉर्निंग की बात है, ठीक है। इसमें बोला है वाई शैडो फेल स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ एक्स, उसमें बोला है कि एक्स, वाई की शैडो जो है ना एक्स के ऊपर पड़ रही है। अब एक्स के ऊपर पड़ रही है, ये तीसरा कॉन्सेप्ट रहता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सुबह का टाइम है, ये लेफ्ट राइट मैंने बताया था, राइट और लेफ्ट, और उसमें बोला है कि अब उसके ऊपर पड़ रही है शैडो, तो इस साइड आना चाहिए, इसी साइड आना चाहिए, इस साइड आना चाहिए ना, इसी साइड आना चाहिए। पर अगर लेफ्ट और लाइट, राइट और लेफ्ट करते हैं तो इस साइड आना चाहिए था, इसके ऊपर तो पड़नी नहीं चाहिए थी। मतलब लिया कैसे गया होगा, उसे लिया कैसे गया होगा, मतलब अगर इसके ऊपर मॉर्निंग के टाइम पे किसी व्यक्ति की शैडो गिर रही है ना, तो मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और सूरज निकला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब जैसे इसकी शैडो गिरेगी, जब इसके ऊपर गिरेगी इसकी शैडो, ठीक है, मान लो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसकी शैडो जब गिरेगी इसके ऊपर, ठीक है। अब हमें पता है क्या, वाई शैडो फेल स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ एक्स, वाई की शैडो एक्स के ऊपर, वाई की शैडो एक्स के ऊपर पड़ी है, वाई ये है और इसकी शैडो किस पे पड़ी हुई है, एक्स पे। मतलब ये इस साइड को फेस कर रहा है और ये इस साइड को फेस कर रहा है। अब आगे क्या पूछा हुआ है, इन विच डायरेक्शन वो एक्स फेस, एक्स किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, एक्स कौन सी डायरेक्शन होती है, ये हमारी ये होती है ईस्ट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ। वन इवनिंग जस्ट बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स रोहन एंड रवि वर टॉकिंग टू ईच अदर फेसिंग टू फेस, फेस टू फेस। If Ravi's shadows was exactly to the Rohan left side, which direction was Ravi facing? One evening, शाम का समय है, शाम का समय है और शाम के टाइम पे मैंने एक बताया था क्या आना चाहिए था, मॉर्निंग के टाइम पे तो RL और इवनिंग के टाइम पे LR, ठीक है LR। तो हमारा इवनिंग का टाइम है LR, ठीक है LR आना चाहिए, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, Ravi's shadow was exactly to the Rohan left. रोहन के लेफ्ट में पड़ी है, रोहन के लेफ्ट में, रोहन का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, रोहन को लेफ्ट के पास लिख दो रोहन, और किसकी, रवि को राइट यहाँ पे लिख दो, क्योंकि रोहन के लेफ्ट में पूछा हुआ है, रोहन के लेफ्ट में बोला हुआ है ना, रोहन के लेफ्ट में पड़ी हुई है, तो रोहन के लेफ्ट में यहाँ लिख दिया हमने, रवि को यहाँ लिख दिया। अब ये एक दूसरे की तरफ को फेस कर रहे हैं और शाम का समय है, शाम का, ठीक है, शाम का सूरज अस्त होने वाला है, ठीक है। तो उसमें बोला है विच डायरेक्शन वॉज रवि फेसिंग, रवि किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, रवि नॉर्थ की डायरेक्शन, देखो ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये नॉर्थ की तरफ को फेस कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ को, ठीक है। ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है गाइस, ये सिक्स्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका सोल्व करके आंसर देना है, ठीक है। अब बस इसी इसके अंदर बेहद इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको
कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे मैंने बोला था इवनिंग और मॉर्निंग बैक का सेम रहता है, लेफ्ट राइट इवनिंग और मॉर्निंग बैक का सेम रहता है, और मैंने बोला था मॉर्निंग और इवनिंग बैक का सेम रहता है, ठीक है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, बस ये चीजें याद रख लो आप विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन, विद इन मतलब 10 सेकेंड के अंदर इन क्वेश्चन को कर जाओगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।